नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और चर्चा चुनाव की, चर्चा मुद्दे की, और चर्चा सबसे बड़ी बात देश की। ये जो लोकसभा चुनाव है, ये देश के हित के लिए, देश के जो संविधान खतरे में है उसके लिए कहा जा रहा है देश बचाओ, देश को बचाने के लिए। इसी मुद्दे पर आज हम बता दें, महागठबंधन से जमाल हसन है। जमाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने चैनल पर बुलाने के लिए। दूसरी तरफ बता दें कि बीजेपी से बालेंदु जी हैं, युवा मोर्चा के। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मुद्दा हम पहले उठाते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के अंदर भले गठबंधन बन गया हो, चाहे एनडीए का बना हो या महागठबंधन का, लेकिन अंदरूनी जो उठापटक है, अंदरूनी जो विरोध है, वो साफ दिख रहा है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, जब पूछेंगे कि ललित यादव यहाँ से हैं, आपके उदय यादव गायब हो गए, आप कह रहे कि आपके कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एक चाय दुकान पर बैठे हुए हमें मिल गए, जिम्मेवारी देनी चाहिए। क्या ललित यादव जिम्मेवारी नहीं दे रहे हैं, उदय यादव हो या आपके जिला अध्यक्ष हो या फिर जो भी महागठबंधन में वाम दल के नेता हो, आपको कोई जिम्मेवारी मिली है कि नहीं? बिल्कुल, हमारे यहाँ ललित यादव जी ने जो है ईद के अगले दिन, हमको 5-6 दिन पहले मैं बंगाल में था वहाँ चुनावी दौरे पर, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपके यहाँ हमको आना है, तो वो आए ईद के अगले दिन मेरे यहाँ। ऐसा नहीं है, होता क्या है कि अब देखिए, जिम्मेवारी दी गई है कि नहीं, ये जिम्मेवारी है बिल्कुल। 17 तारीख को नॉमिनेशन में जाना है, उसके बाद उनके जो भी हमारे जो क्षेत्र का एरिया है टोटल वहाँ हमको देखना है, उसके बाद एक्स्ट्रा हमको। मेन क्या कि मुझे खुद भी फुर्सत नहीं है, लेकिन महागठबंधन के लिए फुर्सत क्यों नहीं है आपको? हम पश्चिम बंगाल खुद इंचार्ज प्रभारी है। इसका मतलब आप जा रहे हैं कीर्ति आजाद को चुनाव में जाना चाह रहे हैं? कीर्ति आजाद टीएमसी में है, हमारा कांग्रेस का वहाँ 13 कैंडिडेट है। आज मैंने बिहार से बैठ के मैंने 13 कांग्रेस के नाम पर कीर्ति आजाद को सपोर्ट करने जा रहे हैं। महागठबंधन में आप भी अलग हो गए, उदय यादव भी, क्योंकि कीर्ति आजाद जी से मेरा अच्छा घनिष्ठ रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है, लेकिन महागठबंधन के लिए यहाँ काम करेंगे। अभी बीच में मैं निकलूंगा, फिर उसके बाद कि महागठबंधन हमारे कैंडिडेट ललित यादव है, उनको जिताने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे और जिताएंगे। दिल से बिल्कुल। केंद्र सरकार बदलनी है, देखिए केंद्र में सरकार बदलनी है, ये हिटलर शाही निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकनी है, ये चंदा दो धंधा दो लेने वाली सरकार को बदलनी है। कैसे बदलिएगा? आपका अंदर का टीम मजबूत नहीं है, नहीं। सब आपस में है। आपके यहाँ जिला अध्यक्ष का नॉमिनेशन भी नहीं हुआ, कहाँ इतना धर पड़े? सब काम नॉमिनेशन होगी, उसके बाद आप लोग सक्रिय होइएगा। सब काम कर रहे हैं ना, अभी तो नॉमिनेशन जानदार और शानदार होना, 17 तारीख को नॉमिनेशन है, फिर देखिएगा। नजर नहीं आ रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहे हैं। आपको पता है कि चाय वाले दुकान पर हमारे जिला अध्यक्ष मिले, क्यों मिले? क्योंकि हम पब्लिक के बीच में वो जो है प्रचार कर रहे हैं ललित यादव के। चाय ही दुकान पर मिलेंगे। अब बता दें, हमारे साथ बीजेपी के बालेंदु जी हैं। बालेंदु जी, यही इसी सवाल एनडीए के भी जुड़े हुए, हम कहेंगे कि हम पार्टी के जिलाध्यक्ष, वो भी थोड़ा सा नाराज चल रहे थे, कोई कोर कमेटी होनी चाहिए, हर कहता है कि संयोजक एक होना चाहिए जो आपसी एनडीए के जितने घटक दल हैं उसको साथ लेके दे, जिम्मेवारी लेके दे। अब आप देखिए कि आपके जब सांसद जाते हैं क्षेत्र में तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि सांसद भीड़ भाड़ जगह पर नहीं जाएंगे, लोग कहते हैं कि जब वैसे भी करा कि मोदी को वोट देंगे तो फिर सांसद को जाने की जरूरत क्या? आप क्षेत्र में घूम रहे, क्या है आपका लोजपा हम पार्टी, ये लोग कहाँ नजर आ रहे हैं आपके साथ? जिस बैठक जिस कार्यक्रम में आप देखिएगा, हर एक जगह हम के भी जिला अध्यक्ष रहते हैं, लोजपा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र झा जी अभी भी हम लोग कुछ देर पहले कार्यालय में मिले हैं, जितने भी हमारे घटक दल हैं वो हमारे साथ हैं और बुलंदी के साथ हैं, और इस प्रकार नहीं है कि फुर्सत नहीं है। हमारे भाई साहब कह रहे हैं फुर्सत, कांग्रेस को बिहार में राजद को जिताने का फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसका उदाहरण पूर्णिया में है, और भाई साहब को शायद नहीं पता है कि 17 को नामांकन ललित जी का नहीं है, 19 को है, तब समझिए कि इनको कितना फुर्सत है कि नामांकन का डेट नहीं मालूम है। और ये होना भी चाहिए, जो दुर्दशा लालू जी ने कांग्रेस की बिहार में की है सीट बंटवारे से लेकर और सभी स्तरों पर, तो ये कांग्रेस जिस प्रकार 22 दिखा रही है वो कोई गलत नहीं कर रही है, और 22-23 सीट पे लड़ने वाली लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है सो मैनिफेस्टो ऐसे जारी कर रही है कि देश के प्रधानमंत्री बनाए जा रहे हैं तेजस्वी यादव, तो कहीं कुछ नहीं है।
ग्राउंड आपका, पर आप, आपका गठबंधन, आपके गठबंधन का घटक दल जो है वो उसको क्यों नहीं एक जिम्मेवारी सौंपी गई? अभी तक कोई जिम्मेवारी नहीं। गोपाल जी जब जा रहे हैं तो जमेंद्र झा साथ में जा रहे हैं, सबको जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। ये तो आपको ऊपर की कमेटी दे दी, अलग अलग जिम्मेदारी सबको मिली हुई है। आप राजक कार्यालय में आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, आप अपने आपके भी पत्रकार वहाँ उपस्थित थे, आप पूछिएगा जो सभी पार्टियों के लोग वहाँ उपस्थित थे, हम सभी घटक दल के साथ हैं और सभी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आपने सवाल कहा कि जो क्षेत्र में जाते हैं तो विरोध, तो जो गद्दी पे रहेगा उसी का विरोध होगा, जो है ही नहीं है, होने की उम्मीद ही नहीं है किसी को, तो कहाँ से उम्मीद है? ना मन घी हो तेल हो या नाराजा। युवा मोर्चा कहाँ है? भाजपा युवा मोर्चा दिख क्यों नहीं रहा है, सक्रिय क्यों नहीं है? गांव गांव देहात सड़क पर होना चाहिए, वो भाजपा युवा मोर्चा नहीं दिख रहा। शाम के समय में आप काला चश्मा उतार लीजिए, युवा मोर्चा हर एक मंडल में दिख रहा है। हमको तो नहीं नजर आ रहा। सोशल साइट पर देखिए, सोशल साइट से नहीं होता, जमीन स्तर पर जो काम करता बालेंदु जी, जमीन स्तर पर देखिए। मोदी का वो लहर इस बार नहीं है जो आप लोग बता रहे हैं, पिछली बार 19 में मोदी के लहर पर आप लोग जीत गए, इस बार मोदी के नाम पर सब कर रहे हैं, मोदी के नाम पर जीत दे देंगे वोट, प्रत्याशी को नहीं जानते। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके युवा मोर्चा कहाँ दिख रहा है ये हमको बता दीजिए। पिछले 35 दिनों में युवा मोर्चा ने दरभंगा में 145 जगह युवा चौपाल लगाया है, जिसमें 52 से 55 युवा चौपाल मैंने खुद लगाए हैं, और वो जो लगाए हैं वो तो मैंने अपने घर में लगाया नहीं है, दरभंगा जिला के विभिन्न मंडलों में लगाया है। दिल से बोलिएगा, मोदी के नाम पर, दिल से बोलिए, मोदी के नाम पर ही, मोदी के नाम पर ही खाली। अरे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, चेहरा है, पूरा 400 पर अपने ऊपर कर रहे, कहाँ प्रत्याशी ऊपर? प्रत्याशी एक सिंबल है, हर एक जगह वो मोदी हैं, कमल निशान है हमारी पहचान, जहाँ रहेगा कमल निशान लगा देंगे अपना। चलिए, आप दोनों के बीच ये मुद्दा पहला था, अब दोनों के बीच सवाल जवाब, सामने में हम रहेंगे खामोश, दोनों बोलेंगे। अब ये बोल दीजिए कि इस लोकसभा चुनाव में आप लोग ले आते सड़क नहीं है, नाले नहीं है, देश बचाने की बात है। लोग कहते हैं अफगानिस्तान में करोड़ों रुपए के संपत्ति छोड़कर हवा जहाज पर लटकते हुए अपनी जान बचाने के लिए वो देश से बाहर चले गए, देश रहेगा तब ना, ये तो कह रहे हैं। आप लोग देश के बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, देश बचाने की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 200 गांव का नाम बदल कर चाइना ने रख दिया, देश बच रहा है क्या? बात मुद्दे की कीजिए, यहाँ भटकाने के लिए अफगानिस्तान, तालिबान, ये मुद्दे नहीं है, यही दिक्कत है। महंगाई देश में बढ़ रही है, हम पाकिस्तान में टमाटर के दाम बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो मतलब है। और सीधी बात, मेरे साथी मित्र भाजपा के कहा कि फुर्सत नहीं है, देखिए थोड़ी सी जानकारी आपको हल्का दे दूँ कि मैं यहाँ स्थानीय राजनीति करता हूँ, लेकिन पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी हूँ। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के इंचार्ज भी हैं। तो लोगों को कंफ्यूजन होगा, नहीं कांग्रेस चेहरा जानता लोग, ये चेहरा चौकटा लोग जानते हैं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, वो सब जानते हैं कांग्रेस ही है, बाय बर्थ कांग्रेस ही है। तो ये सीधा बात है कि मेरी जिम्मेवारी वहाँ भी है, तो मुझे अपना जो कर्म क्षेत्र है वहाँ भी मुझे जाना है, ये मेरा घर है यहाँ, तो मुझे यहाँ भी देखना, तो फिलहाल तो वहाँ जाना। दूसरी बात ये, इस बार जो चुनाव है ना, वो नेशनल मीडिया ने भी सर्वे किया है, तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है। और ये बात आप बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत परफेक्ट बात आपने रखा है, ये चुनाव मोदी जी की लहर नहीं चल रही है, क्योंकि जो लहर चलना था वो 19 में चल चुका है, 40 में 39 सीट उन्होंने यहाँ जीता, ऐसा तो नहीं कि आधा सीट जीता था। तो अब जो है ना, ये कहर का टाइम है कि अब कहरे होगा उन्हीं के ऊपर, उनकी पार्टी पर होगा, ये सीधा कहाँ करें कि देश बचाने की बात करी है, उन्होंने कहा कि 200 गांव बदल दिए चाइना ने, ये कह रहे हैं जवाब दीजिए। कांग्रेस मुद्दा से भटकाने का प्रयास करती आ रही है। हम दरभंगा के कार्यकर्ता हैं, दरभंगा के मुद्दा के लिए आपकी ये चैनल डिबेट करा रही है, हम दरभंगा की बात करना चाहेंगे। देश का होता ना ये चुनाव, लोकसभा, दरभंगा का मुद्दा क्या कीजिए? देश की जहां बात करेंगे, हर एक स्तर पर देश आगे बढ़ रहा है, इसे आप भी जैसे दिल से आप कह रहे हैं, तो दिल से आप भी इस बात को जानते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, देश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और अंबानी अदानी को मोदी जी ने नहीं लाया है, के अलावा पहले सोनिया गांधी के साथ भी चाय पिया करते थे अंबानी अदानी जी, मोदी जी ने नहीं लाया है, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, तो अंबानी अदानी मुद्दा है, हम लोगों के लिए मुद्दा है राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र परम वैभव पर कैसे पहुंचे। आपके सवाल
सवाल, इनका सवाल का जवाब कि चाइना के इनका कहना है, पता झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं आप बताइए। इनके विदेश मंत्री क्या बन चुके हैं? इस बात की हमको जानकारी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की जानकारी हम रखे क्या इनके पास? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरे को जब मनोज जी जरूरत होगी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और इनके विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यह कबूला है कि हाँ ये चीज हुआ है, लेकिन इसके पेपर में आया कि सोशल मीडिया में आया, आप भी न्यूज से है, आप लोग बताइए कहीं कहाँ दिखाइए ना, हम लोग को दिखाए आपके बोलने से। आप कहिए 400 इस बात की प्रचार कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? वही तो कर रही है, कहाँ कर रही है? आप जिला स्तर, आप जिला स्तर के हमारे भाई हैं तो कर रहे हैं, लेकिन लेकिन कांग्रेस हर जगह ये मुद्दे गहमागहमी पड़ा है, शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। मतलब ये महंगाई, सुनिए, ये महंगाई बेरोजगारी की बात करते, विपक्ष के पास एक मुद्दा है, संविधान नष्ट किया जा रहा, संविधान को बर्बाद किया जा रहा, संविधान बचाना है। दूसरी बात कि यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, तो इसको मुद्दा लोग बनाए हैं। बेरोजगारी है महागठबंधन में जिनको नेतागिरी का गद्दी नहीं मिल रहा है। यहाँ करोड़ों लोग जो है ना, करोड़ों रुपया का लोन लेके लाखों लोगों को रोजगार दे चुके हैं। आप अगर देखिएगा जो मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं हम, 20 लाख होने जा के बात कल मैनिफेस्टो में किया गया है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी है उन लोगों के लिए जो बरसों से राज करते आए हैं, अब एक सीट नहीं मिल रहा है, अपना सीट छोड़ के भागना पड़ा है। बेरोजगारी है लालटेन छाप वालों के लिए जो लड़ते हैं 25 सीट पर 23 सीट पर, सीट है उनके पास एगो, तो वो सब बेरोजगारी उनका है। नेताओं की, जनता की बात कीजिए ना, युवाओं की बात कीजिए। युवाओं कहीं बेरोजगारी नहीं है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास स्किल है। आज के डेट में लाखों लोग स्किल ले रहे हैं, लाखों लोग ड्रोन के माध्यम से, लाखों लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मेरा एक सवाल है, मेरे साथी से एक सवाल है, ये जो उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले लोगों को लाठी डंडे बरसा के नौकरी जो दी गई है वो कहां से आए थे? वो कहाँ से आए? जो कह रहे बेरोजगारी नहीं है, इतने एक सवाल का 50,000 की नौकरी निकलती है। सवाल का जवाब, महंगाई का बात है, रोजगार की बात कर रहे हैं। भाई साहब कांग्रेस में है, शायद इन लोगों को पता नहीं है, मनी एंड बैंकिंग में इंटर के में दिया गया हुआ है कि खुद जवाहरलाल नेहरू अपने शब्द में लिखे हुए हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं जाए, रोजगार को बढ़ाया जाए। इन लोग शुरू से बोल रहे हैं आज कर रहा है सरकारी नौकरी, इन लोग 1 करोड़ कर रहा है, हमको तो कहना चाहिए 2 करोड़ करना चाहिए कि हम लोग 2 करोड़ नौकरी देंगे। जब मेरे गठबंधन इंडिया गठबंधन बनी ही नहीं रहा सरकार, तो ये लोग 1 करोड़ का 2 करोड़ बोले नौकरी दे बोल सकते, भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, 15 लाख का जुमला देके भाजपा सत्ता में आई थी, तो हम झूठ बोल के नहीं करेंगे ना, हम जो बोले इतना केवल बता दे, ये बता दे कि वो लोग 1 करोड़ देने के बदले में कितना बीघा जमीन लिखाएंगे, ये लालटेन वाला सब खाली बता दे। क्यों? क्योंकि पूरा बिहार लिखा लेंगे। रेलवे में नौकरी के नाम पर जो लोग जमीन लिखा लिए वो लोग 1 करोड़ नौकरी देने के नाम पर पूरा बिहार लिखा लेंगे। भाजपा ने बोला चंदा दो धंधा लो, स्कैम से पूरा नंगा हो चुका है भाजपा। जमाल जी महत्वपूर्ण सवाल, एक मिनट, महत्वपूर्ण सवाल। आप लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, कभी आपने जनसंख्या रेट देखा है? जनसंख्या की जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं मुसलमान पर ही पटाक्ष किया जाता है, ये क्यों सोचते हैं? हिंदू में भी है 12-10 में, तो फिर आप इसको नहीं लीजिए, आप ये लीजिए कि जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी बेरोजगारी का रेट कम होगा, ये क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं? आपकी बात से हम सहमत है, ऐसी 10-12-15 कंपनियां है गाड़ी की जो यहाँ बंद हो गई भाजपा के राज में, तो बेरोजगारी अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, आप नहीं दे सकते संख्या की बात क्यों नहीं करते? कितनी फैक्ट्री खोली, संख्या पर क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं कहते कि सरकार को जनसंख्या, अगर भाजपा सरकार ही ला रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून, तो विरोध क्यों है उस पर? उससे आपका रोजगार तो कम से कम। एक बात बताइए, पहले तो जो सरकारी नौकरियां भरी खाली उनको तो भरने की बात करें ना, पहले तो जो नौकरियां वैकेंट है, जो नौकरियां नहीं भरी गई उनको भरने की बात किया जाए ना, जनसंख्या तो सेकंड में, अब तो इसको आप घुमा लीजिए, हम नौकरी बहाली नहीं निकालेंगे, हम भरे हुए जगह संख्या बुलाइए, उसमें कहाँ कोई हम दोराई कर रहे हैं, लेकिन पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति तो कीजिए। एक चीज बताइए, एक चीज ये बताइए ऐसा क्यों लिखा दो नहीं, आज आप क्लियर कर दीजिए। देखिए यही भाजपा यूनिवर्सिटी का जो है ना ज्ञान, यहाँ नहीं बात हो, यहाँ ने मेरे को दिखाओ प्रूफ, मेरे नेता कहाँ दिखा, मेरे नहीं फिर यही बात, मेरे नेता का एक ट्वीट दिखा दो, मेरे नेता का नहीं 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 सीए सीए एनआरसी पर क्या बात है, वो चीजें जाननी होगी, सीए जानने पर बात होगी, अगर सीए पर बात लाए तो उस पर क्या बात कर सकते हैं? सीए में किसी एक को हायर करने का आज आप पॉलिसी नहीं, जमाल जी ये नहीं, मेरे को एक प्रूफ दिखाइए यूनिवर्सिटी का घुमाया वाले लेटर नहीं। अच्छा चलिए हम एक चीज बताइए, आप एक चीज क्लियर कर दीजिए हमारे माध्यम से, जनसंख्या बिल का समर्थन करते हैं,
इसे किसी भी मुस्लिम को नहीं समझा। लोग कहते हैं क्या ये जो कानून है मुस्लिम पर ही है, तो जनसंख्या हिंदू में भी बढ़ रही है। इस पर क्यों नहीं बोल, मैं तो इस पर बोल रहा हूँ की जनसंख्या बिल कानून लाना है, लाइए, मैं तो तैयार हूँ। इसमें कहाँ दौड़ा है महागठबंधन नेता, जैसे भी होता है कहता कि मत बोलिए, सब कहते हैं कि जनसंख्या ये आदि जैसे जनसंख्या नेता बोला का विरोध किया। एक सौ उन्नीस वीडियो है, हम दिखाओ ऐसे बोलता है, ऐसे दिखाओ, साँच को दिखाओ ना भाई। तो चलिए ये बात क्लियर हो गई कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, बिल पास होनी चाहिए, इस पर कांग्रेस के ये बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए। इसलिए बेरोजगारी दूर करेंगे तो जनसंख्या जब तक कम नहीं होगी बेरोजगारी दूर नहीं होगी। एक सवाल आप जरा एक सवाल बता दीजिए, आप बिना बहुत गंभीरता से ऑफिस से बोलिएगा। देखिए जब भी कोई देश में किसी भी तरह का, आपने कहा 370, आपने कहा कि राम मंदिर, आपने कहा कि हम सीए लाएंगे, सीए लाए तो उस बार का एजेंडा था 19 का, अब 24 का क्या एजेंडा है? 24 का एजेंडा बोल दीजिए, 24 का एजेंडा है मोदी जी तीसरी बार और आर्थिक रूप ये एजेंडा नहीं हुआ। मोदी जी तीसरी बार आएंगे आपने और आर्थिक, हम अभी पांचवें स्थान पर, एजेंडा नहीं आपका, हम अभी पांचवें स्थान पर है, अभी हम पांचवें स्थान पर है, उससे अर्थव्यवस्था को हमें विश्व में तीसरे स्थान पर, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आठवें स्थान पर है आए हैं और अभी हम तीसरी पर आएंगे। ये हमारा एजेंडा है, कैसे हम लोग आईटी के सेक्टर में, ड्रोन के सेक्टर में हम कैसे, जैसे हम लोग अभी लोकल अपना तोप, अपना मशीन गन, अपना हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। आपको गर्व होना चाहिए इस बात का कि हमारे दरभंगा के मानस बिहारी वर्मा जिसके डायरेक्टर थे, तेजस विमान बनाए थे, उसकी डिमांड अब विदेशों में हो रही है। हमारे पायलट हमारे देश से स्वदेशी बने हुए लाइट मशीन गंज, लाइट तोपें और अपना हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं और हम लोग विदेशों को बेच रहे हैं। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा देश एक हब बनता जा रहा है, आईटी सेक्टर के रूप में हमारा देश एक हब बनता जा रहा है, और ये सब तब हो रहा है जब अवसर प्रदान किया जा रहा है, लोकल को वोकल दिया जा रहा है। हम दरभंगा की बात कर रहे हैं तो दरभंगा में केवल मखाना को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जब से शामिल किया गया है एक क्रांति सी आई है। आप देखिएगा तो हजारों करोड़ रुपया भी मखाना के लिए आया है, आपको रिसर्च करने के लिए पग पग पोखर माछ मखान सरस बोल मुख वाले उस क्षेत्र में, मखान के क्षेत्र में जो किसान खासकर मल्लाह समाज के लोग, सभी जाति वर्ग के लोग जो लाभ उठा रहे हैं सिंघाड़ा का उपज करके, कमल का उपज करके, मछली को उपज करके, तो वो किसानों के लिए लाभकारी हो रहा है। आप मखान के बारे में पूछिए, अरे भाई पहले था 14 से पहले, ये कबूलिया ना पहले उसकी बिल्डिंग पहले थी, 14 के बाद एक भी बिल्डिंग उसको हटा दिया गया। एक बात हमेशा जानना हो कि हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है। अभी जबरदस्ती हम टैग हटा दिया उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे, किसी भी चीज का टैग हटेगा तो इस बात पर इस पर कोई डिस्कशन नहीं है। दूसरी बात तो उसी को कर दिया, भाजपा आई तो कर हो गया। अब मेरी बात मुद्दे पर, चलिए अब आंटी मुद्दे पर, एजेंडे का 400 पार का नारा लगा रहे हैं क्या? बिना एजेंडे का 400 पार का नारा लगा रहा है, एजेंडा बताएगा ना? 400 पार खाली सुन रहे आने वाले, वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। चलिए अंतिम मुद्दा और दोनों सामने में है। दरभंगा की जनता इस मुद्दे को काफी गंभीरता से देख रही है, दरभंगा एम्स को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बन गया एम्स। देखिए उनका कहना यह था कि डायरेक्टर जो थे एम्स के डायरेक्टर, एक साल यहाँ बैठ करके सैलरी उठा लिए, यहाँ पर वो जो जगह था वो भर दिया गया, पूरे मकान तोड़ दिए गए, डॉक्टर्स क्वार्टर तोड़ दिए गए, भर दिए गए। इसके बाद मुद्दा उठा सोबन का पहले विरोध हुआ, गोपाल जी ठाकुर नाव लेकर के उतर गए कि यहाँ पर बन ही नहीं सकता, बाद में फिर वो तैयार हो गए। ये आप बताइए इस एम्स मुद्दे पर गोपाल जी ठाकुर फेल क्यों हुए? पहले वो उन्होंने कहा कि वहाँ पूरा गहरा है, नहीं बन सकता है, टीम को वहाँ पर आ गए थे, नाव लेकर के उतर गए जेसीबी से खोद करके, बाद में फिर कहे कि तैयार हो गए सोभन बनेगा, ऐसा क्यों? जिस विषय पर गोपाल जी ठाकुर को डिस्टिंक्शन मिलना चाहिए, एम्स दरभंगा में बने उस पर आप फैल कर रहे हैं। मैं जहाँ से जानता हूँ दरभंगा में एम्स की स्वीकृति 2015 में हो चुकी थी, और जब पहले गोपाल जी ठाकुर पहला जो प्रश्न सांसद बनने के बाद उठाया था तो यही उठाए थे पहला प्रश्न कि डीएमसीएच को लो लैंड बताकर वापस कर दिया गया है, इसलिए वापस फिर वो केंद्रीय टीम आए और डीएमसीएच का
निरीक्षण करें, और हुआ भी। उस समय में अश्वनी चौबे जी केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, निरीक्षण दल आया भी था, सर्वे भी किया और 12-13 करोड़ रुपया का मिट्टीकरण का कार्य भी किया। लेकिन बीच में थोड़ा चर्चा कभी कभी लोगों के बात में भी आ जाते हैं तो चर्चा चले गए थे, तो थोड़ा सा एम्स हमारा हम लोगों का इसके लिए डिले हुआ। अब तो आप भी तय हो परमानेंट रहे, आप भी तो बोले कि आप शोभन में होगा। नहीं नहीं नहीं, शोभन में होगा ना? नहीं नहीं, ये तीन जगह पर केंद्रीय टीम इस महीने में भी आके सर्वे करके गई है। शोभन में होगा कि नहीं? दरभंगा में होगा। दरभंगा नहीं, शोभन में? दरभंगा में होगा, शोभा में होगा। देख लीजिए जनता, लगेगा अभी भी कंफ्यूजन है भाजपा को। एक सवाल है मेरा, बड़ा अच्छा भाई, एक सवाल है मेरा। दूसरा एम्स बन रहा है क्या? दूसरा एम्स यहाँ बन रहा है? मोदी तो बना चुके हैं, 1 लाख लोगों का इलाज हो चुका है। किस एम्स की बात कर रहे हैं आप लोग? किस एम्स की बात कर रहे हैं? किस एम्स की बात कर रहे हैं? समझिए, आप तर्क समझिए। सुनिए, आप तर्क समझिए, आप समझिए। कमिश्नरी में या तो माननीय देश का प्रधानमंत्री झूठा, ये माननीय देश का प्रधानमंत्री झूठा और हम कैमरा माननीय, अरे आप बीजेपी के लोगों को मानना पड़े माल जी। नहीं 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 नहीं, आप तर्क समझिए, एक मिनट। नहीं आप तर्क समझिए, सुनिए सुनिए, जा तर्क समझिए। एम्स के डायरेक्टर के लिए एक कार्यालय खुला कमिश्नरी में, आप समझ लीजिए, 1 साल 1.25 साल उन्होंने पैसा उठाया। डीएमसीएच के प्रिंसिपल कार्ड में झंडोत्तोलन किया एम्स के नाम पर, पैसा तो उठ गया उनका। मोदी जी के दिमाग में पैसा उठ रहा है तो उन्होंने किया, भले यहाँ आप लोगों ने जनता को भ्रमित किया। आपका स्लोगन ये कह रहे हैं डीएमसी, मेरी बात सुनिए, बिना मतलब की बात है। नहीं बना तो फेंक देना है, नेहरू जी की वजह से हुआ, फलाना की वजह से हुआ, चिलाना की वजह से हुआ, ठिकाना। मेरी बात सुनिए, ये तब कौन सा काम मोदी जी 18-18 घंटा का अपने क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं समर्थन कर दिया एम्स का? आपने समर्थन किया डीएमसीएच में? वो पताल के अंदर बना हुआ था, मिट्टी भर गया, मिट्टी भर गया। अरे मानना पड़ेगा, देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी है। आज वो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश से सभी लोगों से मुद्दे मत बनाइए, मुद्दे मत भटकाइए। अगर मिट्टी भर गया, नहीं नहीं एक मिनट, मिट्टी भर गया तो समर्थन क्यों नहीं दे दिया आप? अरे बनता सुपर स्टार, लाखों लोगों का इलाज हो चुका, हम कह रहे हैं। ये बताइए, कई जगह एम्स एक साथ देवघर और भी कई जगहों में आउटडोर स्टार्ट हो गया, पढ़ाई प्रारंभ हो गई, केवल दरभंगा पिछड़ गया। नेताओं के आपसी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के ये पिछड़ गया, ये कह रहे थे, यही आप कह रहे थे वहाँ, इस वजह से पिछड़ गया। मनोज भैया, पहले तो साथी को धन्यवाद देना चाहिए कि अभी भी भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ एक भी एम्स नहीं है। बहुत सीरियसली इस बात को लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर दरभंगा में आया है तो वो एम्स है। दरभंगा ही पिछड़ गया। नहीं नहीं, हम बालेंदु जी, दिल का दर्द समझिए, मेरा ही नहीं, जनता का दिल का दर्द है। हम भी बीमार पड़ते हैं, हमें भी जाना पड़ता है, उस दर्द को समझ रहे हैं। तो पहले धन्यवाद देना चाहिए कि मोदी जी ने पूरे, कई ऐसे राज्य हैं जहां अभी एक भी एम्स नहीं है। 60 साल में कांग्रेस 5-7 एम्स बनाया था, समझे, अभी 24-25 एम्स करीब हम लोगों का बन गया है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन दरभंगा वो पहला सौभाग्यशाली जिला है जहां दूसरा एम्स, एक ही राज्य में दूसरा एम्स मोदी जी ने स्वीकृत किया। तो दरभंगा वासी होने के नाते, छोड़िए कांग्रेस, छोड़िए लालटेन, धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन धन्यवाद क्या देंगे, तो कोसने में लगे हुए हैं ये लोग, केवल कोसने में लगे हुए। कब हुआ घोषणा? कब हुई घोषणा? कब हुई घोषणा? कब कह रहे हैं कब हुई घोषणा? 2015 में हो गई जी, आज 24 है जी, तो 9 साल हो गया घोषणा किए हुए, अभी तक जमीन पर दिखाई नहीं दिया। जनता जिसको देख रही है, मैंने आज चुनाव आपके सर्वे होने के बाद मिट्टीकरण हुआ, 9 साल में सर्वे होगा, मिट्टी 9 साल में सर्वे, मिट्टीकरण के बाद, मिट्टीकरण के बाद बदला है मामला। अच्छा एक बात बताइए, एक बार के सवाल में दीजिए, एम्स में जो मिट्टीकरण हुआ था वो एम्स के लिए हुआ था या किसी और कार्य के लिए? एम्स के लिए हुआ था, हुआ था, और उसके बाद भी एम्स वहाँ नहीं बना। कुछ लोगों ने यहाँ के यहाँ के स्थानीय डीएम ने भी विभिन्न प्रकार की पत्राचार किए और जगह का प्रस्ताव दिया। कुछ लोगों ने हायाघाट का शुभ पेपर मिल का प्रस्ताव दिया, अब जो भी कारण हो, राजनीतिक कारण हो, जो भी कारण हो, प्रस्ताव दिया, फिर शोभन का प्रस्ताव आया। तो एक जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है, तो उसमें चर्चा के केंद्र में कुछ एक बात बोल दीजिए जनता को, लेकिन नेताओं के आपसी वर्चस्व की लड़ाई की वजह से 9 साल हो गए। देखिए आपसे सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जो मेरे साथी मित्र भटका रहे हैं कि विपक्ष ने यहाँ नहीं बनने दिया, वहाँ नहीं बनने, सरकार आपकी है, आप 370 का ला सकते हैं कानून, आप 3 तलाक पर ला सकते हैं। अरे आगे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, यही दिक्कत है, क्षमता रखिए ना, क्षमता क्षमता। अरे बोलने दीजिए, आगे सुनिए, हमारा गाना है, आपको रोका किसने?
आपको रोका किसने? आप एक जगह चिन्ह, मसला क्या था ना, मिट्टी गिरवा के माल उठा लिया भाजपा के लोगों ने, जेब भर लिया, मोदी जी मंच पड़ा है दरभंगा में, मैंने इनसे बना दिया बस इसका तो बस। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, भाजपा के लोगों को, भाजपा के लोगों को कान पकड़ के दरभंगा की जनता से माफी मांगना चाहिए कि मेरे प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, हम लोग आपको एम्स नहीं दिए, किस मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार हम इस तरह चर्चा करेंगे, क्योंकि ये डिबेट किसी राजनीतिक दल को प्रभावित करने के लिए नहीं है, बल्कि डिबेट जनता की आंखें खोलने के लिए है। आप महागठबंधन और एनडीए दोनों के जो प्रवक्ता हैं उनकी बातों को जरा गौर से सुनिए, और गांव के, शहर के हर चौक चौराहों पर इस डिबेट की चर्चा कीजिए कि आखिर भाजपा ने क्या कहा और महागठबंधन के नेता कांग्रेस के साथी ने क्या कहा, क्योंकि अहम मुद्दा यह है कि इस बार जो लड़ाई है वो पूरी तरह एक लड़ाई जो कहा जाता है बॉर्डर पर जिस तरह नहीं लड़ता है, उस तरह एक दूसरे के आमने सामने है। ये चाहते हैं कि मोदी तीसरी बार ना आए, और ये चाहते हैं हम मोदी तीसरी बार आए, चाह रहे हैं ये देश की जनता चाह रही है। 400 पर कहा तो बोलते उत्तर में हाफ दक्षिण में साफ है, ये क्या बात करेंगे लोग, उत्तर में हाफ है दक्षिण में साफ है, तो देखते रहिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, देखते रहिए बिहार में चालू, लगातार हम आपको दिखा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जमाल, आज आपके ऑन कैमरे बोलता हूँ, आज आप जमाल जी कैमरे बोलता हूँ, एक तो अगले दिन के लिए मैं रखूंगे ये लोग, धन्यवाद, 4 लाख से धन्यवाद, धन्यवाद जी, जी बिल्कुल धन्यवाद, लगातार हम चर्चा करेंगे। दरभंगा के राज मैदान में हम यहाँ हैं, और आप लोगों से भी निमंत्रण करते हैं, जनता अगर कुछ बोलना चाहती है, वो नेता जो बोलती है भले उनके नेता खामोश कर देते हैं, उनके अंदर एबिलिटी है बोलने की, लेकिन उसके नेता कहते चुप रहो तुम मत बोलो जो भी बोले, इसीलिए लगातार हम आपको दिखाते हैं, देखते रहे प्रतिदिन बिहार मिसाल न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल के साथ 10 केबल पर भी हम जल्द आ रहे हैं, धन्यवाद, धन्यवाद।